दोस्तों, बहुत सारे लोग वेबसाइट बना तो लेते हैं, लेकिन उस पर कंटेंट पहली बात है कि लिख नहीं पाते। लिख भी लेते हैं तो फिर उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते, और कुछ दिनों के बाद जब उनकी वेबसाइट रैंक नहीं होती तो उसको छोड़ कर चले जाते हैं। तो वर्डप्रेस पर ज़्यादा यूज़ होने वाले दो ही प्लगइन हैं जो कि एसईओ के लिए यूज़ होती हैं, एक है रैंक मैथ और दूसरा है योस्ट एसईओ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, कि जिनको नहीं पता उनको पता अब चल जाएगा। तो योस्ट और रैंक मैथ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन, अब आपने फैसला करना है कि कौन सा अच्छा है। आप देख सकते हैं रैंक मैथ वालों ने एक कंपैरिजन बनाया है योस्ट और रैंक मैथ में। आप देख सकते हैं ये फॉर्म जिसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ फीचर, फिर रैंक मैथ के फीचर्स हैं, फिर योस्ट के हैं। लाइन्स ऑफ कोड में आप देख सकते हैं कि 51.3 के इसके लाइन कोड हैं और योस्ट की 87.2 के हैं। मतलब कि रैंक मैथ लाइट वेट है और बहुत ज़बरदस्त है, समझो कि वर्डप्रेस को स्लो नहीं करता। और दूसरे नंबर पर प्लगइन जिप साइज, हम जो फाइल डाउनलोड करते हैं, फ़र्क किया अगर हम पेड बाय करते हैं तो इसका फाइल साइज थोड़ा होता है, मतलब कि, और उसका ज़्यादा आप देख सकते हैं 7 MB। और एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन रैंक मैथ प्रोवाइड करता है लेकिन योस्ट प्रोवाइड नहीं करता। कीवर्ड रैंक ट्रैकर रैंक मैथ प्रोवाइड करता है, योस्ट प्रोवाइड नहीं करता। द मोस्ट एडवांस्ड स्कीमा जनरेटर, स्कीमा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि अक्सर लोग यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक करते हैं। और आप देख सकते हैं के रैंक मैथ प्रोवाइड करता है, योस्ट प्रोवाइड नहीं करता। इंपोर्ट स्कीमा फ्रॉम एनी वेबसाइट, मतलब कि आप दूसरी वेबसाइट के जो कि वो स्कीमा यूज़ कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, आप वो स्कीमा रैंक मैथ को यूज़ करते हुए इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन योस्ट इसकी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। स्पीकेबल स्कीमा, मतलब कि आप बोल कर भी स्कीमा जनरेट कर सकते हैं और वो प्रोवाइड नहीं करता योस्ट। योस्ट तो बिल्कुल खुद से स्कीमा जनरेट करता है लेकिन कस्टम सपोर्ट नहीं करता। गूगल ट्रेंड इंटीग्रेशन योस्ट के पास है, मतलब कि आप सारा वेबसाइट का डाटा दे सकते हैं, किस तरह उसके इंप्रेशन आ रहे हैं, विजिटर्स, व्यूज, सब कुछ जो भी है। और नीचे देखते हैं गूगल न्यूज़ साइट मैप, ये योस्ट प्रोवाइड करता है और रैंक मैप भी दोनों प्रोवाइड करते हैं। गूगल गूगल वीडियो SEO साइट मैप दोनों प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद इमेज SEO प्रो, ये यूज़ प्रोवाइड नहीं करता। लोकल SEO प्रो विद मल्टी लोकेशन, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। वो कॉमर्स SEO प्रो, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट EDD SEO, ये यूज़ नहीं प्रोवाइड करता। एडवांस पोस्ट फिल्टरिंग, ये भी प्रोवाइड नहीं करता यूज़। तो आप देख सकते हैं इतने ऑप्शन हैं जो कि यूज़ प्रोवाइड नहीं करता आज के दिनों में। अब आपने फैसला करना है कि कौन सा अच्छा है। लेकिन मैं आपको जब पोस्ट लिखूंगा मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि कैसे दोनों को यूज़ करना है और अपने पोस्ट को SEO फ्रेंडली बनाना है ताकि वो गूगल में रैंक कर सके। आपने मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।